हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग विद अंजू अदलखा। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले चीजी कॉर्न कबाब, इनको आप गर्मा गर्म खाएं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। कॉर्न कबाब्स बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप कॉर्न्स, कोई भी कॉर्न ले सकते हैं, मैंने पैकेट वाले कॉर्न्स लिए हैं, एंड 2 बॉइल्ड पोटैटोस, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर। और अब हम इसको पैन में डाल देंगे, 2 कप कॉर्न। 5 मिनट्स के लिए हम इसको सौते करेंगे, हमने कुक नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट है बहुत। और हमने इसको 5 मिनट सौते करके इसकी एक पेस्ट बना लेनी है, मिक्सी ग्राइंडर में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सो आइए, इसको 5 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। इसमें पानी नहीं डाला मैंने बिल्कुल भी। अब हम इसको बाउल में निकाल देते हैं और उसी में डाल देते हैं बॉइल्ड मैश पोटैटोस, 1 टेबलस्पून चॉप्ड कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून चॉप्ड पुदीना, 2 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 1 टेबलस्पून चॉप्ड एलोपिनोस, इसमें थोड़ी सी खटास डालने के लिए ग्रीन चिल्लीज चॉप किए, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर डालिए और 1 मीडियम साइज अनियन चॉप एंड 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर डाला है ताकि सब बाइंड अच्छे से हो जाए, 1 टीस्पून सॉल्ट और एज पर टेस्ट 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और एज पर योर टेस्ट 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे इसमें सॉल्ट कम लग रहा है, मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट और डाल रही हूँ। यू एड एज पर योर टेस्ट जूस ऑफ अ लेमन, दैट्स इट। देन मिक्स देम वेल, 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब ये पूरा सेट हो चुका है। अब मैंने चीज के पीसेस काट लिए हैं, मोजरेला चीज है। अपने हाथों पे आप पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद आप 1 टेबलस्पून जितना बैटर लीजिए और उसके अंदर चीज की फिलिंग करके उसको कबाब की शेप देते हुए रोल करके रख दें। थोड़ा सा डिप्रेशन बनाएं उसमें और ऐसे कबाब उसके अंदर फिल करें, पूरा उसको क्लोज कर दें और गोल गोल अपने दोनों पाम्स की हेल्प से उसको एक कबाब की शेप देते हुए आप ऐसे ही सारे कबाब्स बनाते जाए, एकदम बढ़िया मस्त कबाब बन के हमारे तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इन्हें बनाना। 1 टेबलस्पून बैटर इसलिए लिया है कि सारे कबाब्स एक जैसे लगे, दे शुड हैव अ सिमिलर लुक और साइज भी उनका एक जैसा। अब हमारे कबाब्स बनके तैयार हैं। अब आप इनको बेक करें, डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें या ग्रिल करें, आपको जैसे दिल करे आप इन्हें वैसे बनाएं। इनको डीप फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं मोर देन अ वीक। आइए मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे रखते हैं। आप ऐसे ट्रे में थोड़ा राइस फ्लावर स्प्रिंकल करें, उसके अंदर अपने कबाब बनाएं और डाल दें और इनको क्लिंग फॉइल से कवर करके आप ये 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं डीप फ्रीजर में। और आप जब भी चाहें इन्हें निकाल कर बना सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले इन्हें बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने चीजी कबाब के ऊपर। ऑयल अब गर्म हो चुका है मीडियम हीट पे। अब हम इसमें कबाब डालेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ही ऐसे गर्म ऑयल डाल, एकदम मस्त हमारे कॉर्न्स बन रहे हैं। दोनों तरफ से आप इनको 2-2, 3-3 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करें और बार बार फ्लिप ना करें। इस साइड से भी हम इसको 2-3 मिनट तक कुक करेंगे पूरा गोल्डन ब्राउन करके। मीडियम हीट पे ही हमने इसको कुक करा है, फिर हम इसको डिश आउट कर लें। अब हमारे ये कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में किचन टॉवल या टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं और इनका एक्सेस ऑयल सोक करके इनको डिश आउट कर लें। कबाब तो साढ़े बन चुके हैं, बट एक इम्पोर्टेंट गल, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन्होंने ढेर सारा थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया जल्दी कर लो, मुंह में पानी आ रहा है ना। आप इन्हें जरूर बनाएं और खाएं, बहुत ही बढ़िया, चीज पूरा मेल्ट हो चुका है, गर्मा गर्म इनको सर्व करें। इफ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद अंजू अदलखा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ ऑल द एल्डर्स इन हाउस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।